दोस्तों, आज बना रहे हैं ब्रोकली स्टर फ्राई। उसके लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ब्रोकली के फूलों को अलग कर लेना है, देखिए। और इनको हमने पानी में ऐसे भिगो दिया है ताकि इनके ऊपर की मिट्टी चली जाए। फिर इसको कम से कम हमने 2 बार धोना है और फिर इसको हमने ऐसे रिंस कर लेना, उसके पानी को इसमें से अलग कर देंगे। और यह है रेड बेल पेपर, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। इसके भी स्लाइसेस काट लेते हैं, पतले पतले स्लाइसेस काटेंगे। अब ये रेसिपी बटर में बनने वाली है, इसीलिए हमने पैन को गरम करके उसमें बटर डाल दिया है। बटर जैसे ही मेल्ट हो जाए उसको पूरे पैन में फैला देंगे। अब इसमें डाल दिया है चॉप गार्लिक, अब हमने ब्रोकली को ऐड कर दिया है। ब्रोकली के साइज आप अपने अनुसार रख लें, हमने तो ऐसे ही रखे हैं। आप छोटे बड़े जैसे, ज़्यादा बड़े ना रखें क्योंकि तो फिर उसको पकने में टाइम लगेगा। कोशिश करें कि सबके साइज सेम ही रहें। अब इनको हम सारे पैन में फैला देंगे ताकि इनकी अच्छे से सिकाई हो सके। इसके प्रोसेस को फास्ट करने के लिए डाल देंगे नमक। और ब्रोकली के साइड्स को हम पलटते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद, ताकि ब्रोकली ऊपर से नीचे से हर जगह से अच्छे से इसकी सिकाई होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको ऐसे पलटते रहेंगे। जैसे जैसे पलटते रहेंगे इसका कलर बदलता रहेगा। बीच में थोड़ी सी हमने जगह बना ली है, यहाँ पे हमने जो रेड बेल पेपर हमने स्लाइस करके रखे थे उनको भी हम इसमें डाल दे रहे हैं। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, इसके ऊपर भी छिड़क देंगे। ये थोड़ा सा नमक इस पे भी हमने छिड़क देना है। अब डाल देंगे थोड़ी सी काली मिर्च, काली मिर्च का पाउडर है ये, इसको तो भी थोड़ा सा हमने छिड़क दिया है। अब इसको इसके भी ऐसे साइड्स पलट पलट के इनकी भी अच्छी सी सिकाई हम कर लेंगे, क्योंकि तो इनको हमने बहुत ज़्यादा तो हमने पकाना नहीं होता, बस इसको जब हम खाएं तो उसका क्रंच हमारे को हर बाइट में मिलना चाहिए, तो उतना ही हम इसको सेकेंगे। इसको ऐसे उलट पलट कर हम फ्राई करते रहेंगे, स्टर फ्राई करते रहेंगे। ये देखिए हर तरफ से बढ़िया सिकाई हो रही है। असली में हमने इसके सारे मॉइस्चर को ना, इसके अंदर जितना पानी है उसको ड्राई आउट करना है। अब बारी है कुछ सॉसेस डाल देंगे। सबसे पहले है सोया सॉस, अब डाल दिया है रेड चिली सॉस, अब इसके बाद डाल दिया है ग्रीन चिली सॉस, सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें एक चीज़ डालनी रह गई है, वो है विनेगर, इसे भी हम डाल देते हैं। सबको अच्छे से मिला लेंगे। ब्रोकली स्टर फ्राई रेडी है। इसको बनाने में 3 से 4 मिनट का समय लगा है। आप भी इसको ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।